आज हम बना रहे हैं वर्मिसली पुलाव, या उसको नमकीन वेजिटेबल पुलाव भी कह सकते हैं, जिसके लिए मैंने एक कटोरी सेवियाँ, ये रोस्टेड वाली सेवियाँ, इसको पहले रोस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कटोरी सेवियाँ, तो एक कटोरी ही पानी बराबर मात्रा का। मसाले स्वादानुसार है, नमक, सौंठ पाउडर, चाट मसाला, धनिया पाउडर, पिंच हल्दी है सिर्फ कलर के लिए, हींग और लाल मिर्च, लेमन जूस डालेंगे। सब्जियां मैंने इसके अंदर गाजर, शिमला मिर्च, ये मटर, टमाटर, कच्ची हल्दी और अदरक। मैं सरसों का तेल में बना रही हूँ। सरसों का तेल गर्म हो गया, इसमें सबसे पहले हम राई का छौंका दे देते हैं, फिर इसके बाद हरी मिर्च, अदरक, कच्ची हल्दी और ये टमाटर, इनको भी डाल देंगे। अब इसमें ये सारी मनपसंद सब्जियां भी रोस्ट कर लें। अब इसमें सारे स्वाद अनुसार मसाले डाल दें। अब इसमें एक कटोरी पानी डालें और फ्लेम को थोड़ा हाई कर दें। जैसे ही बॉयल आएगा वैसे फिर हम सब्जियों को हल्का सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं, अब इसमें ये रोस्टेड सेवियां और ये लेमन जूस डाल दें और फिर हम इसको लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। ये हमारा सेवियां पुलाव भी बन गया, जी वन पॉट मील भी बन गया। बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं एक ही रेसिपी के साथ। वन पॉट हमारी सब्जियाँ वाली सेवैयाँ बनकर तैयार हैं। इसके ऊपर धनिया पत्ती डालें और फिर हम इसको सर्व करेंगे। मैंने इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट्स तक अच्छे से कुक कर लिया, अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, मम्मी पापा की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिठी सेवैयाँ बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 चम्मच देसी घी गर्म करना रख दिया और सबसे पहले हम 1 कटोरी सेवियाँ इसके अंदर रोस्ट करेंगे। सेवियों को मैंने लगातार लो फ्लेम पर चलाते हुए 10 से 12 मिनट तक अच्छे से कुक कर लिया। अब इसमें बहुत सही कलर आ गया। अब हम इसमें 1.5 कटोरी पानी जो मैंने नाप के रखा है इसको डाल दें और फ्लेम को हाई करके इसको बॉयल करवाएं। अब साथ ही इसमें पीसी हुई छोटी इलायची और कुछ केसर के लच्छे वो भी डाल दें। पानी में बॉयल आ गया, फ्लेम को लो कर दें और ढककर इसको अच्छे से कुक करें। सेवियाँ बहुत अच्छे से कुक हो गई है, मैंने इनको लो फ्लेम पर 5 मिनट्स तक कुक किया। अब इसमें आधी कटोरी में चीनी स्वाद अनुसार डाल रही है, मिक्स करेंगे और फिर इसको बादाम की गिरियों से गार्निश करेंगे। शानदार मीठी सेवैयाँ बनकर तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेवैयाँ खीर बना रहे हैं, जो बहुत ही झटपट बन जाती है, जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून घी गरम करना रख दिया और 1/2 कप मैंने ये सेवैयाँ ली है, जिसको सबसे पहले हम घी में रोस्ट करेंगे। आधी कटोरी सेवियों को जब तक मैं सेक रही हूँ तब तक मैंने 4 कटोरी दूध गर्म करना रख दिया है। सेवियाँ बहुत अच्छे से सेक गई हैं, अब इसमें दूध डाल दें। 2 चम्मच मिल्क पाउडर 2 चम्मच दूध के अंदर घोलकर इसको भी इसके अंदर मिक्स कर दें। कुटी हुई इलायची और केसर के लच्छे भी डाल दें। स्वाद अनुसार चीनी डाल दें, अब साथ ही चिरौंजी भी डाल दें। ये खीर बिल्कुल पकने को तैयार हो गई है। अब मैं इसमें बादाम और पिस्ता, ये ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। हमारी सेवैयाँ खीर देखें बिल्कुल पककर तैयार हो गई है। अब मैं गैस कर रही हूँ बंद और इसको सर्व करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्मिसली कस्टर्ड बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1/2 टेबलस्पून घी गरम कर दिया और ये 1/2 कटोरी ही रोस्टेड वाली वर्मिसली है। सबसे पहले हम इनको सेकेंगे। अब इसमें 4 कटोरी दूध डालें और अच्छे से बॉयल आने दें। अब इसमें छोटी इलायची और ये केसर वाला दूध भी डाल दें। अब फ्लेम को लो करके हम इसको 4-5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। ये बहुत अच्छे से पक गई है,
अब हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेकर थोड़ा सा दूध में घोलकर इसके अंदर मिक्स करेंगे। अब इस कस्टर्ड को हम दूध में चलाते हुए लगातार मिलाएंगे। स्वाद अनुसार चीनी मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ। अब इसको लो फ्लेम पर 4-5 मिनट तक अच्छे से पकाएं। हमारा वर्मीसेली कस्टर्ड बनकर तैयार है। मैं इसको ठंडा करने के बाद फ्रिज में जमाऊंगी। अब मैं फ्रिज में सेट करने के लिए रख दूंगी। हमारी वर्मीसेली कस्टर्ड आइसक्रीम जमकर तैयार हो गई है। अब मैं इसको वनीला आइसक्रीम, टूटी फ्रूटी और कुछ ड्राई फ्रूट्स इसके साथ डेकोरेट करूंगी। वर्मीसेली कस्टर्ड आइसक्रीम रेडी टू सर्व। हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्मीसेली नूडल्स बना रहे हैं जिसके लिए मैंने पानी बॉईल करना रख दिया। इसके अंदर 1 चम्मच तेल और स्वादानुसार नमक डालकर सबसे पहले हम वर्मीसेली को बॉईल। सेवैया बॉईल हो गई है, अब हम इनको ड्रेन करेंगे। तेल गर्म हो गया, सबसे पहले हरी मिर्च, अदरक, मनपसंद सब्जियां पत्ता गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च और गाजर, स्वादानुसार मसाले, नमक, लाल मिर्च, सौंफ पाउडर और चाट मसाला। सब्जियों को ढककर अच्छे से पका लें। ये बहुत अच्छे से पक गई है। अब इसमें बॉईल किए हुए ये सेवैया नूडल्स डाल दें। अब इसमें लेमन जूस और धनिया पत्ती डालेंगे। नूडल्स बनकर तैयार है, मैं इनको सर्व करूंगी। मैं इसको टोमेटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्मीसेली पुलाव बनाएंगे जिसमें सारी सब्जियों का उपयोग करेंगे। एक कटोरी मैंने वर्मीसेली ली है, पानी का बॉईल करना रख दिया। जैसे पानी में बॉईल आएगा वैसे मैं इसमें वर्मीसेली, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डालकर बॉईल करूंगी। सरसों का तेल गर्म हो गया, राई डालें, हरी मिर्च, कच्ची हल्दी और अदरक, टमाटर, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सौंठ पाउडर, हींग और चाट मसाला, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और ये मटर। सब्जियों को ढककर अच्छे से पका लें। सब्जियां पक गई हैं, इसमें लेमन जूस और ये बॉइल्ड और ड्रेन्ड वर्मीसेली सेवियां डाल दें। वर्मीसेली पुलाव बनकर तैयार है। इसके ऊपर धनिया पत्ती डालें और इसको सर्व करें।